हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हैप्पी न्यू ईयर चुनावा, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर चुनावा, हैप्पी न्यू ईयर चंदू। नहीं 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 नहीं, ऐसे खाली विश से काम नहीं चलेगा। 2021 आ गया है, हाँ तो इसलिए 21 तो शगुन मेरा बनता ही है, फिर वैसे तो मैंने मानना नहीं है। चंदू, न्यू ईयर पे शगुन कौन मांगता है? अच्छा, तुम जूते चरा कर अपनी ऐसी शक्ल दिखाकर शगुन ले सकती हो, तो मैं क्या न्यू ईयर का शगुन नहीं ले सकता हूँ? हम यहाँ शगुन मांगने नहीं आए हैं, न्यू ईयर की पार्टी रखी है जिसकी होस्ट मैं हूँ और डीजे तुम। अच्छा, मतलब आप तुम कहोगे डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, तो मैं क्या कहूंगा, मैं बजा लूंगा। भाई कौन के नीचे ना मैं बजा दूं। चलो पार्टी शुरू करते हैं, चंदू गेस्ट आते होंगे। अच्छा चलो ठीक, चलो शुरू करो। ओके ओके। मारे कैसी जीप बने हो तुम, पुलिस से पहले ही पहुंच गई है। चलो एम्बुलेंस की आवाज निकालो। ओए तेरी एम्बुलेंस जीप के नीचे आ गई है। एक तो कोई थिएटर कोटे से पुलिस में भर्ती हो जाता ना, फिर ये सब बड़ी प्रॉब्लम आती है। चलो बंद पड़ी हुई जीप की आवाज निकालो और निकलो यहाँ से। ए इधर बंद जीप की आवाज निकालो, फिर तभी जा सकते हो। बंद जीप की आवाज कैसे निकल सकती है? ऐसे आवाज तो आई नहीं, तो जीप बंद है, मारो तेरे निकल यहाँ से। दो लाइनों के लिए आधा घंटा दाढ़ी सेट करने में लगा के आया ये बंदा। लीजिए यार शमशेर जी आए हैं, वेलकम ब्रो। लगे हाथ मेरी गोद भराई भी कर दो। शम शम शेर शेर शम, मैं तो गीता माँ हूँ जो मेरे सामने नाच के मुझे खुश कर रहे हो। छापा पड़ा है तुम्हारी पार्टी पे, तुम लोगों को पता नहीं है 50 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। तो जनाब 50 लोग हैं कहाँ पे, 4-5 लोगों ने मिलकर पार्टी रखी है। हाँ तो पहले पार्टी में 40-50 लोग इकट्ठे करो, उसके बाद में पार्टी करो। अरे नहीं नहीं, अभी 4-5 लोग हैं, 100-150 आएंगे। यही मुझे बुलवाना था, पड़ गया छापा। सारे के सारे जेल के अंदर चलो, तुम तो आओगे नहीं, तुम तो चलो। नहीं 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 जनाब, एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी, हम 2021 का वेलकम कर रहे हैं और 2020 सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, 2020 सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो 2020 में ऐसी कौन सी करतूत की आपने जो आप सेलिब्रेट कर रही हैं? आप 2020 भी छोड़ो, आपने पिछले 20 साल में कौन सा ऐसा काम किया? चंद मिनटों के लिए आके सोनी की सांस रोकने वाली औरत, हाउ डेयर यू टू सेलिब्रेट योर 2020? क्या करूं, हुस्न ही ऐसा है, सांसें छोड़िए बड़ों बड़ों की धड़कनें रोकते हैं। ये चीज ना ये भूरी से सीखनी होगी। क्या? कोई कुछ भी कह ले अपने ऊपर लेती ही नहीं। थैंक यू जीजू, थैंक यू, शट अप, थैंक यू, हमने लिया ही नहीं। अरे सर थोड़ा पार्टी वार्टी करने दीजिए, थोड़ा एंजॉय करने दीजिए ना। तू एंजॉय ना कर, तू जॉगिंग किया कर। तुझे पता तू कल इधर पड़ा था, तेरा पेट हमारे घर में पड़ा हुआ था। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो भैया, ये करते ही नहीं जॉगिंग। उस दिन अर्चना मैम हम चिड़ियाघर गए, इनके साथ के सारे साथी पानी में नहा रहे थे, ये बाहर खड़े होकर उनको देख रहे थे। अरे तितली, वो दरियाई घोड़े थे। तेरे भी दांत ही बाहर नहीं है, कुल तो तुम्हारा सेम ही है। ठीक है सर, वो हमारे कुल के हैं, हम उनके कुल के हैं। अब कुल कर आपसे एक बात कहते हैं, हमें एक न्यू ईयर पार्टी जरा कुल के मनाने दीजिए, वरना कुछ दिनों में बच्चों के स्कूल कुल जाएंगे, उसके बाद ये पार्टी मनाना अनुकूल नहीं रहेगा। हमारी दरख्वास्त स्वीकार कीजिए प्लीज। ये स्वीकार को भी कुलकार ही कर देते तुम, एक ही शब्द को लेके 2 घंटे घूमने वाले कितने बड़े आदमी। थैंक यू, हमने लिया ही नहीं। बच्चा तुम लो ना लो, लेकिन जो काम मैंने डीजे का लिया है मेरे को वो बजाने दो। हाँ। यार पार्टी में मेरे फैंस भी आने वाले हैं। ओए फैंस और तेरे, चल बे। 2021 आया नहीं, इसका झूठ पहले आ गया। कौन सा झूठ, और सोशल मीडिया चेक करो जाकर, लड़कियां पता क्या कहती मुझे, कहती कॉमेडी वॉमेडी चलो ठीक ही चलती रहेगी, लेकिन सबसे ज्यादा क्यूट हमें तुम लगते हो। अच्छा जी। हाँ। अगर तुम सबसे ज्यादा क्यूट हो तो फिर मेरा बच्चा जोन इब्राहिम है।
हमको जॉन अब्राहम क्यों कहा? हमको तो माधुरी दीक्षित बनना है। ये खाली इश क्यों कर रहे हो? मैं पूरा गाना बजाता, पूरा दक दक करो। ओए, वो तो कल तक तो ठीक था, तुझे पीलिया कैसे हो गया आज? सुन मेरी बात, मेरे से एक चोर नहीं पकड़ा जा रहा, तू उसकी जगह 2 दिन जेल में रह के आएगा। मैं चोर की जगह पे क्यों जाऊंगा? अरे तुम यहाँ भी तो कॉमेडियन की जगह आते ही हो। वाह, ये बात तो कम से कम तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। एक बार बताओ, इतना तैयार होके किधर घूम रही हो तुम? अरे मतलब मुझे तैयार होना अच्छा लगता है। उनसे पूछो जो तुम्हें तैयार हुई को देखते हैं, उनको अच्छा लगता है। कैसे करती हो ये सब? सुबह सुबह उठ के आधा किलो पाउडर थप लेती हूँ मुंह पे। कैसे मतलब? मेरे पास मेकअप और हेयर ड्रेसर है। तुम्हारी मेकअप और हेयर ड्रेसर आपस में पता क्या बातें कर रहे थे? क्या? कि ना तुम मेरे बारे में बताना मैं किसको तैयार करती हूँ, और ना मैं तुम्हारे बारे में बताऊंगी तुम किसको तैयार करती हो। शमशेर जी, जरा पार्टी मनाने दीजिए ना, हमने मेहमानों को भी बुला लिया है। सबसे पहले तो मैं तुम्हारे मेहमानों की टांगे तोड़ूंगा, उसके बाद तुम्हारी कोशिश करूंगा, अगर टूट गई तो। लगता नहीं मेरे को। पार्टी मैडम, कैसा लगा मेरा अरेंजमेंट? कैसा लगा मेरा अरेंजमेंट? अभी कोई महापुरुष कह रहे थे कि यहाँ पर पार्टी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे नहीं हो सकती? यहाँ पे तो हो सकती है। यहाँ पे पार्टी चलती रहेगी और 11 बजे फिर भी पार्टी बंद होएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे आप बिल्कुल सेफ भी हैं। क्या कर रहे हैं? मैं मजे कर रहा हूँ। तुम्हें नहीं पता नया साल है, सबको मैं से गले मिलो, खुशियाँ बांटो। ये बात सही है, नया साल है, गले तो मिलना चाहिए। अच्छा अच्छा, खुद को कुदरत से गला नहीं मिला है, दूसरों को गले मिलाने लगे आए बड़े। हम तो बस मेहमान आए, इसलिए थोड़ी सी बातचीत। वैसे आपको अगर कुछ भी चाहिए ना, लाइक आलू पकोड़ा, गोभी पकोड़ा, प्याज पकोड़ा, पनीर पकोड़ा, लेट मी नो। ओए बैंगन के पकोड़े। वो लड़की इतनी डाइटिंग कर करके इतनी हॉट बन रही है, तू उसे तला हुआ खिला रहा है, तलुए कहिए। एक मिनट यार, ये तुम जैसी हॉट लड़की इतनी डाइटिंग क्यों करती हो? मुझे देखो अर्चना जी, मैं सब खाती हूँ, क्या मैं किसी से कम लगती हूँ? बिल्कुल बच्चा। तितली, तुम्हारी तो बात ही अलग है। थैंक यू। किसी अलग चैनल पे करेंगे। अगर आप लोगों का हो गया होगा तो प्लीज हम पार्टी कर सकते हैं। मैं आप लोगों की बकवास सुनने नहीं आई हूँ, मैं पार्टी करने आई हूँ। तो आओ करते हैं, इधर सारी जगह खाली है, इधर पार्टी करते हैं हम। लेकिन आप तो पुलिस वाले। अच्छा, आप कुछ भी नहीं हो फिर भी पार्टी कर सकते हो? मैं कुछ तो हूँ, मैं पुलिस वाला हूँ। पुलिस वालों की खुशी इनसे देखी नहीं जाती। कल को हमें कहेंगे आप हनीमून भी नहीं मना सकते। हम हनीमून नहीं मनाएंगे, हमारे छोटे छोटे हवलदार कैसे आएंगे? ये मेरा खुलता नहीं है, नहीं तो मैं गोली मार देता। मैं आप कहां की बात को कहां ले आए? कहां के आर्टिस्ट को हम कहां ले आए? ये इसकी कोई एप्रिसिएशन नहीं। एक्सक्यूज मी, मुझे यहाँ पर इन्विटेशन पर बुलाया गया। अच्छा? और कहा था कि यहाँ पर आने के बाद एक वेलकम ड्रिंक मिलेगा। कहा है वो वेलकम ड्रिंक? मैडम वो ऐसे था कि आप बाहर से ड्रिंक करके आएंगे, हम आपका वेलकम करेंगे, ये था वेलकम ड्रिंक। हाँ जी, स्मार्ट आंसर। मैंने दिया था इसको, आप जब आई थी 2 मिनट पहले मैंने ये बात इसको दी थी। मैं क्या, मैं अपना सेंस ऑफ ह्यूमर बांटता रहता हूँ, नहीं तो मेरा ओवरफ्लो हो जाता है। काफी अच्छा करते हैं। वैसे आप हो कौन? Myself is DJ चंदू। ठिंग ठिंग चा, ठिंग ठिंग चा। नहीं 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 नहीं। I am the DJ, he is just PJ. आप तो पुलिस वाले। मैं डीजे कोटे में भर्ती हूँ। Myself डीजेपी शमशेर सिंह। मैडम आप खड़ी खड़ी थक गई होंगी, आइए बैठिए। दो दो छोटे छोटे लिटिल लिटिल मारते हैं उधर बार साइड जाके। मैं ड्रिंक नहीं करती। हैं? ड्रिंक नहीं करती तो मैं जो इधर बियर की बोतलें बेच रहा हूँ वो कौन खरीदेगा फिर? एक्सक्यूज मी शमशेर जी, आप हमारी पार्टी में बियर की बोतलें नहीं बेच सकते। मुझे बेचने दो, जब खाली हो जाएंगी खाली बोतलें तुम बेच देना। तुम्हारे साथ है ना ये रद्दी वाला? हम रद्दी वाले ही सही साहब। आए हाय, लोगों का कबाड़ उठाते हैं। आए हाय, और उनको पैसे भी देते हैं। वाह, वरना यहाँ तो लोग गम ही गम बांटते हैं। वाह 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 चंदू। ओ चंदू जी। ए, अच्छा ऐसी लाइनें बोलनी होती हैं? और वो रद्दी वाला गली गली में आवाज लगाता है, रद्दी बेच, बोतल बेच। हगनी आई।
कर रहे हैं आप? नहीं, आप डायरेक्ट शूट पे आई हैं, पहले कभी शो देखा है आपने? देखा है, ऑफ कोर्स देखा है। देखा है आपने? ये आपको क्रिएटिव लग रहा है? मेरा पता नहीं मैं कौन हूँ। आपको हक वक मिलती रहती है ना, इन्हें नहीं मिलती तो सोचा दे दूं। वेरी क्रिएटिव, वेरी क्रिएटिव, बहुत ज्यादा क्रिएटिव। आई लाइक द क्रिएटिविटी। मैं यहाँ आपके साथ नहीं, अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी करने आई हूँ। शर्म नहीं आती? नए साल पे पुराना बॉयफ्रेंड। मेरा नंबर लो, जब भी डेट वगैरह पे जाना हो, फिल्म देखने जाना हो, मैं किसी भी हालात में हूँगा, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, मैं तो प्याज भी नहीं खाता। यू कैन हग मी एनी टाइम। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरा बॉयफ्रेंड आता ही होगा, पता नहीं कहाँ रह गया। कोई बात नहीं, जब तक वो नहीं आता मैं आपका बॉयफ्रेंड बन जाता हूँ। चंदू, तुम तो मेरे पीछे पड़े थे। भूरी, जब सामने मालदीव्स का क्रूज खड़ा हो ना, तो मड की जट की तरफ कोई नहीं देखता। चंदू, ये तुम्हें मड की जट्टी कहाँ से लगती है? ओ हेलो, इसने मुझे नहीं तुम्हें मड की जट्टी बुलाया है। जिसकी मड में जट्टी है वो कुछ बोल नहीं रही। उन्होंने जटी जटी पांच 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 जटी जटी वो बोल बोल के मालदीव से अपना क्रूज ले लिया उन्होंने। हाँ तो सोची, उन्होंने एक साल में क्रूज ले लिया। आपके पास क्या? मेरे पास माँ है और मेरी माँ के पास मेरा बाप है। देखो, और मेरी माँ को अर्जेंट बहू चाहिए, आप घोड़ा चला लेती हैं? क्यों नहीं, मेरा बचपन से ही सपना था कि सात समंदर पार से घोड़े पे बैठ के एक राजकुमारी आए और मुझे ले जाए, चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ वो ले जाए बस, और किसी को बताए नहीं। मुझे घोड़ा चलाना आता है। बाहर जाके टांगा चला कर। मुझे घोड़ा चलाना आता है, शादियों का सीजन चल रहा है, चार पैसे कमाओ जाके इधर। सुन लिया तुमने, घोड़ा चलाना मुझे भी आता था लेकिन मैं बोला कुछ। ऐसे फ्री में बेचारे बेजुबान की भी बेइज्जती करवा दी तुमने। पार्टी करने आई हूँ, तुम्हारी जंगल जानवर की बातें सुनने नहीं आई हूँ। अब जब तक मेरा बॉयफ्रेंड नहीं आता तब तक कोई गाना बजाओ। गाना कैसे बजेगा, क्योंकि इनकी मेहरबानी से 11 बज चुके हैं और 11 बजे के बाद पार्टी नॉट अलाउड। नहीं नहीं, इतना तैयार होकर आई पार्टी करने के लिए, पार्टी नहीं होगी। ना उदास ना हो तुम, मेरे से लड़कियां रोती हुई नहीं देखी जाती, और आप इतना तैयार होके आई है। मैं देखो पार्टी चलेगी अभी। ओए, तू गाना बजाया, कानून तुम्हारे साथ है। ओए, बंद करो ये सब, चलो बंद करो। वो आप लोगों को पता नहीं है 11 बजे के बाद आप कोई पार्टी नहीं कर सकते हैं? अरे लेकिन बोलिए, तुम्हें नहीं पता 11 बजे के बाद पार्टी नहीं हो सकती इधर? मैं बात करती हूँ। मैडम आपसे तो मुझे बात ही नहीं करनी है, आप बताइए क्या हुआ? लेकिन मुझे आपसे बात नहीं करनी। लो, करवा ली ना बेइज्जती, और जाओ ग्लैमर के पीछे। हवलदार जी, इन्हीं इंस्पेक्टर ने कहा था 11 बजे के पार्टी के लिए। हाँ? अरे ये कहाँ के इंस्पेक्टर हैं? क्रिसमस पार्टी से सस्पेंड चल रहे हैं ये। आप सस्पेंडेड है? आपने हमें बताया नहीं। मैं शो ऑफ नहीं करता। मेरी एक बुआ का लड़का चोर है, उसने शो ऑफ कर दिया, सबको बता दिया मैं चोर चोर, पुलिस ले गई। शो ऑफ नहीं करना, नजर लग जाती है। हेलो बस, सब अपनी बकवास बंद करो और मेरे साथ थाने चलो। चलो मैं कैसे जा सकता, मैं तो सस्पेंड हूँ। अरे चलो थाने। मुझे पार्टी करनी थी मैडम, मेरा ये सपना अधूरा ही रह जाएगा। मैं सब कुछ देख सकता हूँ, एक इतनी खूबसूरत लड़की को ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता, अब तो बिल्कुल ही नहीं देख सकता। ए, एक गाना बजाओ प्लीज सर, एक गाना बजाने दो। एक मिनट, 11 बजे के बाद डीजे नॉट अलाउड। एक काम करो, आप हमें चार चार डंडे मार लो, डीजे चलाने दो थोड़ा, ना मेरे रहने दो, आप इसको 8 मार लो, मेरे हिस्से के 4 इसको मार लो। नहीं नहीं, हमें क्यों, हमारे हिस्से का भी आप 16 डंडे, इन्हें मार लो। मेरी बात सुनो, आप खुद समझदार हो, 16 डंडे वाला क्षेत्रफल है ही। एक काम करो, मेरे को छोड़ो, इनको आप 32 मार लो। नहीं नहीं नहीं, इनके 32 और मेरे 32, 64 इन्हें मार लो आप। अरे हमें 64 क्यों? अच्छा जब 64 रोटियां खा जाते हो तब गरम गरम देना जरा डंडे। नहीं 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 नहीं, 64 नहीं, अब 128 आप इन्हें मार लो। 128 का मुझे डबल भी नहीं करना था। अरे देखो, एक एक बात बताओ, किस किस ने हील पहनी है? मैंने। मैंने तो तुम लोग तो पिटोगी, हम तो भाग रहे हैं। अरे अरे, क्या बात है तेरी? अरे
अर्चना जी, अपनी दुनिया में तो हर कोई मशगूल रहता है। मशगूल का मतलब समझते हैं आप? हाँ, बिजी। बिजी, लीन, तल्लीन, व्यस्त। ओहो, पर्यायवाची शब्द सीख कर आया। अभी मेरे को सोनी टीवी ने बोला कि जिन शब्दों का किसी आर्टिस्ट को पता नहीं है उसके पैसे कटेंगे। तेरे, तुझे तो अंग्रेजी का कोई भी शब्द नहीं आता। शो हिंदी का है ना। हाँ, तो उस हिसाब से तो मैं ये कह रहा था कि हर कोई अपनी जिंदगी में मशगूल रहता है, लेकिन एक दुनिया ऐसी थी जिसमें इंसान खुद से ज्यादा मशगूल रहता था, वो थी वागले की दुनिया। हमारे इंडियन टेलीविजन का बहुत बड़ा बेहतरीन शो वागले की दुनिया, जो फिर से आ रहा है नई पीढ़ी नए किस्से लेके। और आज इसी शो की पुरानी कास्ट और नए एक्टर्स जो नए सीजन में इस सीरीज को ज्वाइन कर रहे हैं, वो आज हमारे शो के बीच में आ रहे हैं। तो आप सबकी जोरदार तालियों के साथ प्लीज वेलकम मिस्टर एंड मिसेस वागले, मिस्टर अंजन श्रीवास्तव जी, भारती अचरेकर जी, और साथ में वेरी टैलेंटेड सुमित राघवन जी और परिवार। आइए मैम, जोरदार तालियां हो जाए एक बार वागले की दुनिया की नई स्टार कास्ट और पुरानी स्टार कास्ट ऑफ कोर्स। कैसे हैं अंजन सर? एक नंबर सर, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के, सुमित भाई आपको देख के, मैम आपको देख के। थैंक यू। और आप दोनों को देख के तो एक्चुअली 80s 90s का वो दौर याद आ जाता है, जब एक्चुअली पता क्या कि टीवी साफ चलता रहे, लोग एक एक्स्ट्रा बच्चा पैदा करते थे। अब ऊपर जाके एंटीना घुमाता रहता था ना, जिनके घर बड़े होते थे। तो मैं वही एंटीना वाला बच्चा ही हूँ वागले साहब। अच्छा अंजन सर, ये मतलब 80s 90s का बहुत सुपर हिट शो रहा है वागले की दुनिया। आपको उम्मीद थी कि 32 सालों बाद ये शो फिर से वापस आएगा और आपको द कपिल शर्मा शो में आने का मौका मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मतलब हम अपना प्रमोशन कहाँ करने जाए, हम इधर ठोकते रहते बीच बीच में। तो अंजन सर, कैसे मामला शुरू हुआ ये बताइए फिर कुछ। 87 में जी मिस्टर कुंदन शाह, उनके साथ एक सीरियल किया था ये जो जिंदगी में, कैमियो रोल कर रहा था उन दिनों जी। उन्होंने कहा एक जगह आके रोल पढ़ना है, तो मैं गया वहाँ पढ़ने के लिए। वहाँ मिस्टर कुंदन शाह बैठे हुए थे, मिस्टर रवि ओझा एक दूसरे डायरेक्टर थे उसमें। अच्छा जी। और उधर एक जेंटलमैन बैठे थे जिनको मैं ठीक से पहचानता नहीं था। अच्छा जी। तो मैंने कहा कौन है? ठहर, डिसिप्लिन, ओके, बैठा रहा। उन्होंने कहा पढ़ो, मैंने पढ़ा। He is very loud. I don't like him. देखो कौन है ये? चुप। उन्होंने कहा, If I will be in your place, I will do like this. I will read like, I don't know your Hindi. उन्होंने पढ़ के एक्टिंग करके बताया। अच्छा। हमने क्या किया इन्होंने समझ में नहीं आया मेरे को। निकलने के बाद बाहर जा करके बताते कुंदन, तू मुझे मरवा दिया तूने यार। तो पूछता उनके सामने, तू कौन है ये? अरे इतना बड़ा कार्टूनिस्ट है वो, आर के लक्ष्मण नाम है। अरे बाप रे। हमको, मैं कभी मिला नहीं हूँ, मैं जानता नहीं हूँ, मैं उन्हीं का लिखा हुआ कर रहे हैं यार हम लोग। रवि हो जाके समझाते हैं हमको, तू थोड़ा इसको दबा दे। कौन सी लाइन दबा दूँ मैं? बोले टोटल दबा दे, दबा के कर ना। दबा के कर, दबा के कर, दबा के। हमने एक्सप्लेन लिए इसे कर दिया मैंने, दैट्स गुड, दिस ये चाहिए। तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बोले यही तो चाहिए, कुछ नहीं करना है। सेकंड एपिसोड के बाद कहा कि ठीक है, ये वागलेज वर्ल्ड है, इसका नाम वागले की दुनिया करो। वाह, क्या बात। और वागले की दुनिया शुरू हो गई। क्या बात। और आज 32 साल बाद दोबारा शुरू हो रहा है। क्या बात। भारती मैम, आपको देख के बड़ा मजा आया मुझे, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू मैम। अच्छा, जब आप ये वागले की दुनिया आता था तो उस समय तो आप दोनों को लोग मिस्टर एंड मिसेस वागले के नाम से जानने लगे थे। तो जब आप अपने ओरिजिनल मिस्टर के साथ घूमने जाती थी, परेशान हो गई थी मैं। बोलते तो मतलब परेशान हो गई थी कि आपके मिस्टर कहाँ हैं। तो मैंने कहा नहीं बाबा, ये मेरे मिस्टर नहीं है। अच्छा। तो ऐसे कैसे हो सकता है, यही आपके मिस्टर। मैंने कहा ये इससे तो मैं कभी शादी नहीं करती। पर ऐसे क्यों, मतलब क्या हैंडसम तो है, इतना अच्छा चश्मा लगा। अच्छा मतलब देखो तो आप कपिल साहब, मेरी तस्वीर पुरानी दिखा दूंगा आपको। जितेंद्र बोलते थे, जितेंद्र। मैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये इनको, क्या मैं अपनी वाइफ को लेके जा रहा था। अच्छा। आपकी पत्नी कहाँ? ये है।
नहीं नहीं आपकी पत्नी राधिका, राधिका मेरी उसमें सीरियल में। अच्छा, बट ऑल क्रेडिट गोज टू मिस्टर लक्ष्मण। लक्ष्मण जी, मैं किस्सा सुनाती हूँ जी। पहले एपिसोड में मैं थी नहीं, पहले एपिसोड में सिर्फ ये थी, शाहरुख खान का एपिसोड था। अच्छा जी। उस वक्त चार चार दिन एक एपिसोड करते थे हम लोग। अच्छा जी। शूट, तो दो दिन का शूट होने के बाद लक्ष्मण जी मेरे पास आते हैं, बोलते कैन यू कम दिस साइड। अच्छा ओके। सो बहुत बढ़िया एक्टर थे वो। अच्छा जी। तो मुझे कहने लगे कि यू आर टॉकिंग टू योर हस्बैंड नो, मतलब इनके साथ। हाँ। तो हम लोग तो क्या ऐसे बात करते हैं, नक्का है ऐसे तो करते ही है ना। तो बोले नहीं, यू कैन पुट योर हैंड लाइक दिस टॉकिंग टू योर हस्बैंड। मैंने कहा हे भगवान मैं क्या करूं, मर गई मैं। उसके बाद मैंने बंद कर दिया वो बोलना। हाथों का क्या बोला फिर, हाथ कहाँ, पति की गर्दन पे होना चाहिए। नहीं, हाथ ऊपर नहीं आना चाहिए। अच्छा। पति के सामने ये नहीं होना चाहिए, पति के सामने ये नहीं होना चाहिए। अच्छा। हाँ, पति के सामने ऐसे ही होना चाहिए। उनके साथ हो सकता है पर्सनली ऐसा होता हो कि वो कह रहे हैं कि मेरे साथ है। और वो साउथ इंडियन थे ना जी, जी, लोग बम्बईया लोगों को तो पति के साथ तो क्या क्या करने की आदत है। अरे आपको अब क्या बताएं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।